वेरी गुड मॉर्निंग हेलो भाई गुड मॉर्निंग और आज एक बार फिर आपके साथ बात करने का मौका मिल रहा है और ये हमारा प्रेम स्नेह प्यार जो भी है दोस्ती वो बनी रहे आज संडे है और संडे में कुछ काम हम ऐसे निपटाते हैं जो पेंडिंग होते हैं तो एक काम अपना पेंडिंग पड़ा था जो कि बाहर मैंने टंकियाँ जो बनाई थी उसमें अपने सर्दियों की छोटी मोटी सब्जियाँ लगाने का पालक धनिया मेथी वगैरह तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये है धनिया जो कि हम बोने से पहले इसको तोड़ते हैं तो तोड़ने का काम मैं कर रही हूँ इसको हम एक बेलन से और बेलन भी नया है भाई मेरा <laughs> कल ही लेके आई हूँ साला सर जी महाराज के दर्शन करने के थे तब तो वहाँ से लिया था मैंने ये टू हंड्रेड रुपीज़ का तो इससे जो है फर्स्ट शुभ काम यही कर लेते हैं बुआई का तो इसको हम ऐसे धीरे धीरे करके इनके पार्ट्स करेंगे तोड़ेंगे इसको कहते हैं कि भाई जैसे हमने देखा है हमारे वहाँ खेतों में बोया जाता है तो इसके तोड़ तोड़ के पार्ट्स करके और बोया जाता है इसके पीछे कई रीज़न बताते हैं लेकिन अपन तो यही जानते हैं कि इसको तोड़ेंगे तो एक तो डबल भी हो जाएगा दूसरे ग्रो करने का कहते कि धनिए को दो तीन पार्ट्स कर दो तो भी वो जो है उग जाता है तो इसको तोड़ लेते हैं क्योंकि हमने देखा है हम मेरे उधर ससुराल में चाचा ससुर जो थे पूरे खेत के खेत जो है धनिए पालक के बोते थे तो मैं उनको देखती थी तब जब मैं ससुराल में रहती थी तो वो तोड़ तोड़ के ऐसे कर करके उनको बोते थे तो तभी से मैंने सीखा था तो इसके ऐसे हमने टुकड़े कर लिए अब मैं इनको थोड़ी सी देर के लिए भिगो दूँगी क्यों बोने में तो वैसे तो जैसे ये सूखा है बहुत जल्दी जल्दी हाथों से छुटेगा लेकिन क्या है कि धनिया उगने में कई दिन ले लेता है लगभग हफ्ता दस दिन ले, ले लेता है तो इससे ये क्या करेगा नमी पकड़ लेगा और नमी के कारण ये जल्दी उगेगा तो मैं क्या करूँगी तो मैं इसको भिगो ही लूँगी ताकि जो है ये जल्दी ग्रो हो जाएगा तो देर कितना घंटा दो घंटा हाँ घंटा दो घंटा डेढ़ घंटा भिगो लेंगे भाई ठीक है चलो टूट गया है अब इसको भिगोने का काम करते हैं और हाँ इसके साथ ही भाई ये कुछ और चीज़ें हैं ये तो घर पे ही होता है अपना धनिया मेथी मेथी भी, भी बोऊंगी भिगोऊंगी साथ में ये भी बोऊंगी भाई तो उसमें ये है सलगम और ये है मूली और ये है भाई अपनी पालक एवरग्रीन चीज़ तो ये मैं लेके आई हूँ बाजार से तीनों ही चीज़ें मुझे एट्टी रुपीज़ में मिली थी तो इकट्ठा ही पे किया था तो हो सकता है बीस बीस की ये चालीस की है जो भी है तो ये एट्टी रुपीज़ की आई है तो इनको भी मैं लगाऊंगी इनको नहीं भिगूँगी इनको मैं ऐसे ही लगाऊंगी चलो धनिए को हम जो है भिगो देते हैं ठीक है भाई ये लगभग दो घंटा बिगने के बाद ऐसे हो गई है मेथी और धनिया ठीक है क्योंकि इसने नमी पकड़ ली है ज़्यादा देर भिगोएंगे बहुत सॉफ़्ट हो जाएगी ठीक है ना जैसे हम खाते हैं रात में भिगो के सुबह खाने का काम करते हैं वैसी हो जाएगी लेकिन अब इसने मैंने ये डोंगा जो है पानी का भर दिया था इसने सारा लगभग पी लिया है तो इस तरह से और अब इसको हम थोड़ी सी देर के लिए अगर चाहें तो किसी कपड़े पर सुखा सकते हैं इसका पानी निथार लेंगे और इसको किसी कपड़े पर जो है थोड़ा सा उससे क्या हो गया हाथ से बोने में इजी हो जाएगी और ये अपना धनिया भी हो गया है जिसको हमने भिगो लिया था इसने भी थोड़ा पानी पी लिया है तो इसके बाद अभी इसको भी बोने का काम करेंगे चलो कभी कभी कर लेती हूँ भाई <laughs> कम ही याद रहते हैं अंदर पड़े हैं बाहर सब में ना हाँ जी आ, सारे तो सारे। जो भी इस तरह की गार्डनिंग करते हैं उनके पास सभी के पास मिल जाएंगे भाई और बंदर थोड़ी सी देर में देखो पपीता का ये लगा हुआ था इसको भी तोड़ गए हैं सारे कपड़े भी गिरा दिए थे फिर दोबारा धोए दो हैं तो इस तरह की मेहनत चलती रहती है और भाई ये सुबह मैंने जो है बता देती हूँ सारा साफ कर लिया था क्योंकि संडे में या वीक में दो ही दिन लगा पाती हूँ झाड़ू इस तरह से तो बिल्कुल क्योंकि ऊपर इतने पत्ते हैं धीरे धीरे गिर गिर के सारा जो है नीचे गिर जाते तो इकट्ठा करने में रोज़ जो है नहीं होता अब करेंगे ये देखो इसमें भी कुछ जो है पत्ते गिर गए हैं इनको भी जो है साफ़ कर देती हूँ साफ़ करने के बाद जो है इनमें अब एक बार थोड़ी सी इनकी गुडाई करूँगी मतलब कि इस मिट्टी को सॉफ़्ट करूँगी क्योंकि कई दिन हो गए पहले की थी लेकिन उसके बाद ये फिर सख्त हो गई है बो नहीं पाई थी और भी ये देखो ये क्या हुआ है, ये हुआ 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 है? कुछ आपने हाँ। बोया ना ना ये कई बार मैं वो करती हूँ ना जैसे सब्जी वगैरह का पानी डाल देती हूँ तो ये मिर्च है हरी मिर्च उगाई अच्छा। है हाँ तो अभी इसको हाँ तो बहुत सारी पौधे हैं हाँ मैं ये सोच रही हूँ कि इसको छोड़ देती हूँ इस पोर्शन को उधर थोड़ा सा कुछ लगा लेंगे उगा हाँ हाँ तो और इसमें भी देखो टमाटर के कुछ वो हो गए हैं ये <laughs> फ्री के टमाटर हैं भाई देखो पर टमाटर को तो हमारे ये बंदर नहीं छोड़ेंगे लगाना ना लगाना ना बा... बराबर बात है क्योंकि क्या है कि मैं सब्जी का पानी जो होता है ना चाय वगैरह जो सब्जी छिलके होते हैं उनको वहाँ डालती हूँ ताकि वो धीरे धीरे जो है खाद बन जाए तो इसी तरह से किसी दिन यहाँ भी डाला होगा तो जिसकी वजह से ये क्या हो गए हैं यहाँ ग्रो हो गए ये देखो छोटे छोटे से पत्ते हैं भैया इसके आंवले के जो कि खाद का काम इसमें करते हैं ऊपर से जड़ते रहते हैं हम्म हम्म भी लगे हुए हैं। जी। अब इनकी मैं ऐसे खुदाई कर लेती हूँ जमीन थोड़ा कर दूं। वही। है, गीला -गीला आ, इसको मैंने वैसे दो तीन बार पहले ही आज बहु आज बहू के चक्कर में कई बार जैसे इसकी वो कर दी है और ये मेरी टंकियाँ भाई जो कि टूट गई थी उनको जो है प्लास्टिक की टंकिया हाँ बेकार प्लास्टिक जो है उसमें जाने की बजाय और मैंने जब हम यहाँ नीचे उगाते थे ना भाई सारा जो है ना मतलब अब तो उग ही नहीं पाता था कुछ भी बीज ग्रो ही नहीं करते थे क्योंकि है इतनी ना यहाँ पे तो तो इसलिए अब ये काम बेस्ट रहेगा इन टंकियों में डीमक नहीं आएगी क्योंकि इनके नीचे कवरिंग लगा रखी है हमने और ये कितने सही लग रहे हैं कलर करके ना दिवाली वाले दिन कलर कर दिए थे डॉक्टर साहब ने इनको थोड़ी वही जरूरी है सुंदरता भी चाहिए हर चीज को है ना नो डॉक्टर साहब उठा रही है सुबह ये कलर के हो गए गए देखो वो गिर ना इसमें तो खराब हो गए ये अच्छे थे इनको यूज़ कर लूँगी सुबह झाड़ू लगाते टाइम मैंने उठा लिए थे बंदर ऊपर से तोड़ जाते हैं भाई ये लीजिए आज वैसे भी आंवला नवमी है आंवले की पूजा की जाती है अच्छा हाँ तो मेरी तो आज हो नहीं पाएगी भाई क्योंकि हमारे जो है देवर के बेटी वो रखी है लक्ष्मी आई हुई है हमारे घर में तीन चार दिन हो गए फ्राइडे को हुई थी तो उसमें सुतक लग जाता है पूजा पाठ नहीं होता तो मेरी तो नहीं होगी लेकिन आप लोग कर सकते हैं हैप्पी अक्षर नवमी अक्षर नवमी आज ये मैंने भाई दो दिन पहले पानी दे दिया था वैसे तो कल सैटरडे को लगाना था लेकिन सैटरडे को कहीं बाहर जाना पड़ गया तो ये रह गए थे तो अब जो है सही है गिली गिली भी है और मैंने उन एक दो चीज़ों को भिगो भी, भी लिया है जिनको नहीं भिगोया है उनको इस नमी वाली टंकी में लगा दूँगी ताकि उनको नमी मिल जाएगी और फिर थोड़ा सा पानी भी दे, दे देंगे ऊपर से तो जल्दी ग्रो हो जाएंगे हम लेट तो हो रखे हैं पर पता है पहले लगाने वाले एक दो मेरे जैसे फ्रेंड हैं जो इसी तरह से छोटी हल्की फुल्की गार्डनिंग करते हैं तो उन्होंने बताया कि हमने लगा तो लिए थे लेकिन उनमें क्या हुआ कीड़ा लग गया अब कीड़ा लगने की वजह से उनको जो है सारे के सारे दोबारा लगाने पड़े हैं तो इसलिए जो है लग रहा है कि ठीक ही समय है क्योंकि हमें तो क्या है ये तो अपनी किचन की जान है बादशाह होते हैं ये तो हरा धनिया पालक जो है मेथी अब सर्दियों में मतलब इतने यूज़ हैं इनके और वो अपने घर की हों तो भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है बिल्कुल, पेस्टिसाइड के आ... और सब ना आजकल तो

ये तो बड़े खराब सब हो है। हाँ ये मैंने इसमें पानी ज़्यादा दे दिया था तो उसकी वजह से इसमें अभी नहीं बोरी में देखती हूँ क्योंकि चार पांच मेरी टंकियाँ पूरी हो गई हैं इसको सेपरेट रख लेती हूँ फिर कर दूँगी चलो इसमें टाइम क्यों ख़राब करें ये भाई मैंने पानी थार लिया है इसका क्योंकि तो मेथी है इसको अलग अलग करके बोना है तो थोड़ा सा हाथों पे नहीं चिपकेगी गिली गिली सी नहीं रहेगी और इसको एक पाँच मिनट के लिए जो है कपड़े में भी रख लेंगे तो ये और सूखी सूखी सी हो जाएगी क्योंकि इसने पानी तो पी लिया है और आप किस तरीके से लगाते हैं ये भी मेरे साथ जरूर शेयर करें क्योंकि वे आजकल टेक्नोलॉजी और जो अपने वैज्ञानिक हैं वो इतने अलग अलग नए नए तरीके निकाल रहे हैं जिससे कि हमें चीज़ें बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाती हैं चाहे वो कैसी भी हैं तो इस तरीके से फिर इनका हम पानी और अच्छे से निथार लेंगे थोड़ा सा जो है जल्दी ग्रो हो जाएगी मतलब हमारे हाथों से भी जल्दी जो है बुएगी इसी तरह से ये धनिए का भी मैं निकाल लेती हूँ मैंने धनिया का भी निकाल दिया ठीक है ये निथार लिया भाई और इस पानी को फेंकेंगे नहीं ये पानी भी इनका जो है रस है खाद का काम करेगा तो किसी भी पौधे में अपना जैसे मनी प्लांट है या कोई और है या इवन दे में जो है हम वापिस डाल देंगे क्योंकि ये तो अब मैंने इसलिए किया है कि इनको ग्रो करने में लगाने में सॉरी थोड़ा हमें हा, ईजी हो जाएगा ठीक है थोड़ी सी देर दो मिनट रख देती हूँ पानी अच्छे से जो है निकल जाएगा चलो चलते हैं फिर बाहर ये भाई अपने आ गए हैं सारे बीज ठीक है इसमें क्या लगाओगे आ, इसमें लगाऊंगी मूली ठीक है इसमें लगा दूंगी फिर वो पालक या धनिया उसमें अभी आधे पार्ट में भाई मिर्च हैं तो इनको थोड़ा सा हाँ, पौध बन जाएंगी अभी इनको जो है हाँ, आधे पार्ट में लगाऊंगी तो वो सलगम लगा दूंगी ठीक है इस तरह से थोड़ा सा हल्की सी प्लानिंग भी कर ले तो अच्छी बात है उगेंगी <laughs> कोई बात नहीं उगेंगी उगती हैं ये बाजार मतलब मंडी में आई होती हैं तो वो भी तो किसी की लगाई हुई हैं क्योंकि इसका बीज जो है बिल्कुल सरसों के दाने जैसा होता है भाई तो इनको अगर भिगोएंगे तो ये तो अपने बस में आने वाली नहीं है ठीक है क्योंकि बड़े बड़े जो खेतों में लगाई जाती हैं वो ऐसे कैसे बोते हैं उनका बोने का तरीका आजकल इतनी सारी मशीनें वगैरह आ गई हैं ये मूली थोड़ी मोटी भी होती हुई जैसे हाथ में आ जाएगा भी दिखाऊंगी बीज वैसे आपको पता ही है <laughs> दिखाने वाली कोई बात भी नहीं है ठीक है ये मोटे मोटी सी जो देने से बच गए बहन को एक बार उठा लेते हैं साइड में लगा देती हूँ पानी से अपने आप बारीक मिट्टी करके मतलब सही तरह ना अभी जैसे खेतों में होती है और भाई हम जो होते हैं किसानी करते हैं वो लोग तो खरीज के बारे में और ज्यादा जानते हैं तो अब सबसे पहले मूली के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पट्टी बनानी पड़ेगी उस पट्टी के ऊपर ग्रो करेंगे ठीक है ऐसे पट्टी बनाएंगे भाई और उसके बाद बनाएंगे क्या बनाती हूँ <laughs> आपका कुछ तरीका दूसरा भी होगा ठीक है ना मैं ऐसे लगा लेती हूँ तो तभी तो कह रही हूँ मतलब खेतों में तो और भी अच्छी मोटी जाती है भाई मतलब क्योंकि वो तो अच्छी बड़ी बड़ी लंबी लंबी मूलियाँ होती हैं बढ़िया ग्रो हुई हुई अब अपने तो घर में है पर अपनी मिट्टी जो है नीचे से सॉफ्ट है तो भगवान करे हमारी फसल अच्छी हो <laughs> इसी शुभकामना के साथ बोते हैं भाई ठीक है, है। ये होगी अपनी चार पांच पट्टियाँ होगी भाई ठीक है जैसे जैसे निकलेंगी जैसे एक उस पर हुई या जैसे भी तो हम बाद में फिर और वो कर लेंगे अपने मूली के बीज हैं ठीक है और अब इसमें बोने से पहले अपने हाथों से क्या करेंगे ऐसे हल्का सा छेद करेंगे मतलब एक क्या है इंच जितना सा ऐसे उंगली के अपने दो जो टोरे होते हैं इतना सा ऐसे करके ये अपनी होगी वहाँ तक भाई है ना तो इनमें एक या दो बीज क्योंकि कई बार ये जा आ, उगता नहीं है तो एक एक, एक एक दो बीज डाल देंगे जैसे वो अपनी आप जगह बना लेते हैं वैसे मैं मोस्टली एक ही डालती हूँ थोड़ा मोटा सा बीज हो तो और ये हमने डाल दिए इसी तरह से सारी जो है अपनी ये चारों पाँचों जो हमने पट्टियाँ बनाई हैं इनमें कोई हम उंगली ना है तो फिर ना तो उसको फैलने के लिए ना मतलब है आप उंगली सा का इस्तेमाल ना करें तो कोई छोटी मोटी डंडी या जो है ऐसा मोटी निब वाली स्पून जो होती है इस टाइप से कुछ भी ले सकते हैं और फिर उसके बाद इनको भाई मच्छर भी हैं हमारे यहाँ भी मच्छर गए नहीं हैं इनका जो हमने डिस्टेंस रखना है भाई वो लगभग दो इंच के तीन इंच के आसपास रख लेंगे खेतों में थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाता है अब अपने पास तो भाई फसल थोड़ी सी है तो इस परपज से ऐसा करके भाई फिर इनको थोड़ा सा ऐसे ढक देंगे ठीक है हल्का हल्का सा ऐसे ढक दिया ज़्यादा नहीं दबाना है इस तरह से अपनी दो नालियाँ तैयार हो गई हैं ये जो साइड में स्पेस होता है ना भी गहराई जो रखी जाती है वो इस परपज़ के लिए रखी जाती है कि इनमें से जो पानी दिया जाएगा वो पानी इसको नीचे तक जो है सॉफ्टनेस देगा और ये नीचे की तरफ जाएगी लंबी होने के लिए तो इसको जो है नमी मिलेगी साथ ही जो है ज़मीन भी सॉफ्ट होती चली जाएगी तो ये नीचे की तरफ़ ग्रो होती चली जाएगी तो इसलिए जो है फसलों के बोने के अलग अलग जो है टाइप्स होती हैं तो कुछ के लिए ऐसे पट्टियाँ बनाई जाती हैं कुछ को ऐसे ही बो दिया जाता है लो भाई एक फसल अपनी तैयार हो गई है ऑल द बेस्ट कैसी उगती है देखते हैं हफ्ते भर में हमें पता चल जाएगा चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं